देशवासियों को और पूरे शायद इस जहान को और जितने भी देश है सबको पता है कि हिंदुस्तान की धरती पर क्या हुआ है, सबको पता है। यस सर। और ये जो करने वाला है करता धरता है, मैं पाकिस्तान को गाली नहीं दे रहा, इस हिंदुस्तान के कुछ गद्दार हैं, उस पाकिस्तान में बैठे चाचाओं की औलाद है इस हिंदुस्तान में, वो गद्दार हैं जिनकी वजह से आज हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। शहीद होने वाले कोई करोड़पति या रईस नहीं थे, शहीद होने वाले आप और हम जैसे किसानों के बेटे थे, मजदूरों के बेटे थे, मजदूरों के भाई थे और हिंदुस्तान के बेटे थे। 400 किलो जो विस्फोटक सामग्री आई, किसी माइकल लाल की औकात है जो वहां पे जो सबसे सेफ जोन माना जाता है उस एरिया में 300 किलो 400 किलो विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंच गई आपको और हमें अच्छे से पता है, और शायद इस देश की राजनीतिक पार्टियों को भी अच्छे से पता है कि वहां पे ये असला बारूद कैसे पहुंचा। बिना मिली भगत के साथ कुछ नहीं होता इस हिंदुस्तान में। और जे जो ये उन चाचाओं की जो औलाद है ना, ये गांधी परिवार के खिलाफ खुलेआम बोलता हूं, पहला गांधी मरा तमिल मारे गए, दूसरा गांधी मरा जम्मू कश्मीर में मारे गए, गांधण मरी कौन मारे गए रे, सिख मारे गए। सरदार जी गलत बोल रहा हूं मैं? नो सर। और फारूक अब्दुल्ला उनके चाचा था वो क्या बोल रहे हैं आज कि इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, उसने उसके बाप ने पैदा किया जैसे मोहम्मद। सारी हिंदुस्तान की पार्टियां कान खोल के सुन लो, मोदी ने भी अच्छे से कहा है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब मोदी के खिलाफ होते हो तुम, तुम्हारी मर्जी, एज ए प्रधानमंत्री उनको एक्सेप्ट करो और सारी राजनीतिक पार्टियां एक सुर में बोल के बताओ उनके खिलाफ क्या हिंदुस्तान की। एक मिनट, अगर आज इतने फौजी अगर शहीद हुए हैं तो क्या कोई पॉलिटिकल नेता है जो कह सकता है कि मेरा बेटा आर्मी में जाएगा, मेरा बेटा सीआरपीएफ में जाएगा? साहब घंटा ही नहीं जाओगे आप लोग, हम जैसे मजदूर जाएंगे क्योंकि पैसों की भी हमको जरूरत है और देशभक्ति भी कूट के भरी है, क्योंकि आपकी तरह हम पिज्जा बर्गर में नहीं बिकते, हम चटनी और बाजरे की रोटी खाते हैं राजस्थानी है साहब। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक मिनट, और सबसे बड़ी कमी रक्षा मंत्री की भी है। जब 2500 का कारवा चल रहा था सीफू जी का, मैंने वीडियो देखा है, 1000 लोगों का कारवा चलता है एक साथ, लेकिन जब 2500 का कारवा चल रहा था तो क्या रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, क्या उस आईजी की जिम्मेदारी नहीं कि ऊपर से उनको हवा से भी उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए रे? देश के अंदर कोई नेता चलता है तो जेमर लगे रहते हैं गाड़ी के आगे पीछे, क्या वो 2500 इंसान नहीं थे? नेता में भी वही प्राण है जो एक आम हिंदुस्तानी में है, लेकिन इस देश में इतने गद्दार बैठे हैं जो पैसों की खातिर अपनी माँ बहन को बेच देते हैं। बेचते हैं नहीं बेचते रे? अगर इतना ही शौक है दलाली करने का, जवानों की दलाली करने का, हिंदुस्तान की दलाली करने का, तो अपनी मां बहन बेटियों को कोठे पे बिठा दो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे गांव में सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके यहां तक हमारा अभी मार्च होगा। भारत माता की जय। चलो छोटी लाइन वाले दो बच्चे आगे, चलो दो लाइन खड़ी हो, सिर्फ छोटे बच्चे आगे चलेंगे, इनके पीछे बड़े। बच्चों चल करके गांव के अंदर शहीद के स्मारक पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। गांव के बच्चों की रैली है जो शहीद स्मारक के ऊपर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। जिंदाबाद।